Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ प्रियंका और आज मैं ये आर्टवर्क बना रही हूँ सॉफ्ट पेस्टल से. तो इसमें मैंने कैमलिन का आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल्स यूज़ किया है और इसमें मैंने कैमलिन का चाकोल सॉफ्ट चाकोल पेंसिल यूज़ किया है और इसे मैंने जो भी बनाया है मैंने हाथों से ब्लेंड करके बनाया है. तो उसे ब्लेंड करना इससे ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ से करोगे तो उससे वो चीज़ इरेज हो जाता है, वो ब्लेंड नहीं होता. तो इसलिए मैंने हाथों से इसे ब्लेंड किया है. यहाँ पे आप देख सकते हो. और अगर आप चाहो, अगर आपको इसमें हाईलाइट करना है तो मैंने यहाँ हाईलाइट के लिए ईयरबड्स का यूज़ किया है. और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसमें अगर इसमें करते हैं इसको जब स्प्रेड करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है, मतलब कि उस जहाँ हमें हाईलाइट की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये कलर चढ़ जाता है. तो उसे हटाने के लिए आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हो, पेंसिल इरेज़र का मैं बोलूँगी आप यूज़ करो ज़्यादातर, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. या तो आप मैकेनिकल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो. और मैंने यहाँ पर ईयरबड का भी यूज़ किया है, उसको कलर को वहाँ से हटाने में काम करता है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. और हाँ, मैंने यहाँ पे कैमलिन का जो सॉफ्ट चाकोल पेंसिल यूज़ किया है, ये आप इसे एकदम जितने भी डार्क चीज़ें हैं डार्क एरियाज़ को आप अच्छे से ऑप्ट कर सकते हो, फेस को एकदम फाइन स्ट्रक्चर दे सकते हो इसे यूज़ करके. तो आई एम श्योर आप ट्राई करोगे तो बहुत सही लगेगा. और देखते रहिए आगे का वीडियो. आई होप आपको पसंद आए. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना. सो एंजॉय दिस वीडियो.